अमरीकी एडमिरल माइक मुलन को लिखे गए मेमो का तनाज़ा हर गुजरते लम्हे के साथ संजीदा और गंभीर होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ हुकूमत के सामने डट गए हैं। वो कहते हैं कि मेमो के मामले की तह तक पहुंचने के लिए इंक्वायरी की जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर ये इंक्वायरी हुकूमत ने इसकी ना करवाई इम्पार्शल और ऑल्सो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, उनका इत्मीनान भी साथ उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ ये मामला डेफिनेटली फिर कोर्ट्स में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और शायद हम इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर ले जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत ऐसी तहकीकाती कमेटी बनाए जो सबको काबिल कबूल हो। नवाज शरीफ ने कहा कि रिटायर्ड जजों से तहकीकात कराई जा सकती हैं। क्योंकि ऐसे जजेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिटायर्ड हैं, उन पर भी एक कमीशन बनाया जा सकता है, उन पर भी एक कमीशन बन सकता है जिसमें जैसे जनाब फखरुद्दीन इब्राहिम जैसे लोग हैं वो लोगों से ढके छुपे नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मेमो के मामले का ऊंट किसी करवट जरूर बैठेगा। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि तहकीकात के नतज ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आ जाना चाहिए। ये इशूज़ ऐसे नहीं हैं जिनको 6-6 महीने या साल साल कौम इंतज़ार करती रहेगी जिसका क्या नतीजा निकला है। ये मेरा ख्याल है कि 2-4-5-7 दिनों में ही इसका जो है वो सामने जो है वो आना चाहिए।